उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में 6 सूत्री मांगों को लेकर किसान यूनियन एकता संघ ने प्रभारी मंत्री को दिया ज्ञापन। आपको बताते चले, किसान एकता संघ का एक प्रतिनिधि मंडल किसान नेता डॉक्टर रवि नागर के नेतृत्व में सहकारिता मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं प्रभारी मंत्री बरेली JPS राठौर से सर्किट हाउस में मुलाकात की और किसान हित में 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। किसान नेता डॉक्टर रवि नागर ने मांग पत्र सौंपते हुए प्रभारी मंत्री को बताया कि लगभग 10 वर्ष पूर्व रामगंगा चौवारी में बैराज बनाने की शुरुआत हुई थी, जिससे बरेली ही नहीं बदायूं के किसानों को भी सिंचाई का बड़ा लाभ होने वाला था, किंतु अधिकारियों की उदासीनता के कारण यह परियोजना अभी भी अधर में लटकी हुई है, जिसको लेकर किसान एकता संघ कई बार ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अवगत करा चुका है, जिसको लेकर किसान एकता संघ आंदोलन के रास्ते पर है। उन्होंने कहा कि बरेली की आंवला तहसील में गन्ना बड़ी संख्या में उगाया जाता है, किंतु आंवला में चीनी मिल न होने के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है, अतः आंवला में चीनी मिल का होना अत्यंत आवश्यक है। मामला है आज जो ज्ञापन दिया। मैं डॉक्टर रवि नागर किसान एकता संघ का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूं और मेरे साथ में आपने देखा यज्ञ प्रकाश गंगवार जी और भी बहुत सारे लोग पदाधिकारी आज इसलिए आए हैं। हम वर्षों से बरेली के किसानों की जो जायज मांग हैं उनको लेकर आंदोलनरत हैं। कई बार ज्ञापन प्रेषित किया, अभी आपने पिछले दिनों देखा कि सिंचाई विभाग के कार्यालय पर हमने वहाँ धरना दिया, उनका घेराव किया, क्योंकि राम गंगा पर जो बैराज बना हुआ है, जिसे बरेली बदायूं परियोजना के नाम से, सिंचाई परियोजना के नाम से जाना जाता है, उसको लगभग 10 वर्ष हो गए हैं, अभी तक वो पूर्ण नहीं हुई है परियोजना। उससे बरेली और किसान जो बदायूं का है वो परेशान है, दुखी है, उस पर भी हमने आंदोलन किया। अभी पिछले दिनों आपने देखा इतनी भारी वर्षा के कारण बरेली जिले के किसानों की फसल भी खराब हुई है, गांवों में जनहानि भी हुई है, उसको लेकर भी हमने ज्ञापन दिया। बहुत सारी कई ऐसी समस्याएं हैं। दूसरा, एक हमारी नई, पहले से ही हमारी एक ज्ञापन के द्वारा हम मांग कर रहे थे कि आंवला के अंदर चीनी मिल होना चाहिए, वहाँ पर चीनी गन्ना किसान बहुत बड़ी संख्या में है लेकिन चीनी मिल नहीं है। वो प्रस्तावित भी हुई हमारी मांग पर, लेकिन वो फिर अधर में लटक गई है। तो ऐसी कई हमारी 6 सूत्रीय मांगे थी। आज जब हमारे सहकारिता मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और बरेली के प्रभारी मंत्री आए यहाँ पर, तो किसानों को यहाँ बड़ी उम्मीद और बहुत आशा जगी। उन्होंने ये विचार किया कि हम प्रभारी मंत्री जी से विचार करेंगे, चर्चा करेंगे और अपना ज्ञापन, संयुक्त ज्ञापन प्रेषित करेंगे, जो आज तक जिन पर हम आंदोलनित हैं। वही हमने आज प्रभारी मंत्री बरेली को, सहकारिता मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को, सभी साथियों ने ज्ञापन प्रेषित किया है सर्किट हाउस में, और उन्होंने पूरी हमें आश्वासन दिया है, पूरा उम्मीद जताई है कि ये सारी मांगे जो आपने की हैं, विशेषकर राम गंगा बैराज वाली जो बरेली बदायूं सिंचाई परियोजना है, इसको हम वरीयता से लेंगे और जल्दी से शुरू कराएंगे। ये इसको लेकर आज हम सर्किट हाउस में यहाँ उपस्थित हुए हैं।